ये ना वो वीडियो नहीं है जो मैंने देखी है पहले, ये अलग है। इसमें तो वो वीडियो वाला मेल ही नहीं है। इस सॉन्ग मॉम से डिलीट हो गया होगा, शी इज नॉट गैजेट फ्रेंडली ना। वो वीडियो कैसे डिलीट हो गया? वो मैंने पहले भी देखा था, वो चेंज ही कैसे हुआ? मम्मी जी के मेल से भी कैसे डिलीट हो गया? हे माँ, कल कुछ समझ नहीं आ रहा। गोल्डी जी, श्रीकाल गोल्डी जी, आप हेलो सौम्या। किसका फोन था? गोल्डी जी का था, उठाया मैंने बट डिस्कनेक्ट हो गया। नेटवर्क इशू होगा शायद, कर लेता हूँ मैं। जी ए गोल्डी, व्हाट्सएप फोन किया था तूने? हेलो भरजाई जी, सत श्री अकाल। आपकी गोद भराई में मैं आ नहीं पाया, इसलिए बहुत माफी चाहता हूँ। पर गोल्डी अपने यार के लिए, आपके लिए और बेबीज के लिए बहुत सारे गिफ्ट शिफ्ट लेके आया है जी, और मैं बहुत जल्द आकर आप सबसे मिलूंगा और आपको सारे गिफ्ट दूंगा। गोल्डी जी, सौम्या अभी भी सामने है क्या? हाँ यार गोल्डी, प्रॉब्लम्स तो हमेशा सामने आती ही रहती हैं, लेकिन मैं हूं ना, मैं हैंडल कर लेता हूं। इसका मतलब गोल्डी जी के नाम से अरमान ने किसी और का नंबर सेव किया है। कहीं ये प्रेशा से तो बात नहीं कर रहे थे? अरमान, मुझे अभी अभी सेकंड कॉल पे ना सौम्या का फोन आ रहा है, मैं उसे कॉल करूं? या शो। अच्छा सुन यार, आज नहीं मिल पाऊंगा। वो क्या है ना, मेरी एक क्लाइंट के साथ में डिनर मीटिंग है। वाओ, कल मैं आपकी इन्वेस्टर थी और आज मैं आपकी क्लाइंट हूँ। ओके ठीक है, लेट मी कॉल हर, बाय। All right, bye. Soumya, कौन सा सीन लिख रही हो? Soumya, hi. तुमने कॉल किया था क्या अभी? मुझे तुम्हारे बॉयफ्रेंड के बारे में पता चल गया प्रशांत। बॉयफ्रेंड? सौम्या, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। हाँ इनफैक्ट तुम्हारी नजर में कोई लड़का हो मेरे लिए तो प्लीज बता देना। आफ्टर ऑल तुम्हारी चॉइस बहुत अच्छी है ना। क्या हुआ? कुछ नहीं, आपकी साली साहिबा को डराना चाहती थी मैं, बट मैं फेल हो गई। वो एक्चुअली एक सीन लिख रही थी तो समझ ही नहीं आ रहा था कि कैरेक्टर रिएक्ट कैसे करेगा, इसलिए मैंने प्रिशा पे ट्राई करना चाह रही थी कि अचानक ऐसे सवाल पूछने पर इंसान सच बोलता है क्या। लेकिन नहीं, लाइक आई सेड मैं फेल हो गई। अब मुझे पूरा सीन वापस लिखना पड़ेगा, पता है, क्योंकि उसमें भूल गई थी कि आजकल ये ट्रिक्स बड़ी पुरानी हो गई है और
लोग काफी स्मार्ट। अच्छा चल, मैं तुझे आराम से बाद में फोन करती हूँ, ओके बाय। या सौम्या, तुम भी ना कुछ भी करती रहती हो। अच्छा सुनो, मैं ना डिनर मीटिंग पे जा रहा हूँ क्लाइंट के साथ, जल्दी आने की कोशिश करूंगा, लेकिन यू नो हाउ डिनर मीटिंग्स आर, अगर लेट हो गया तो टेंशन मत लेना, ओके जी। और कुछ भी हो मुझे कॉल करना, एंड यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड माय बेबीज, चल बाय। कोई सफाई नहीं पूछूंगी अरमान, नथिंग, क्योंकि मैं फिर से आपसे कोई सवाल पूछूंगी और आप फिर से कोई नई कहानी सुना देंगे मुझे। पता है ना, आपको तो सब पता है, तो प्लीज प्लीज मुझे इस झूठ के अंधेरे से बाहर निकालिए और सही रास्ता दिखाइए। Promise me कि आप मेरा हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। Never. शादी करेंगे मुझसे? मेरे और सौम्या की हालत देखकर भी ऐसी बातें कर रही हो? I must say, you're really brave. But let me tell you, तुम्हारे लिए ना I can do anything. शादी नो प्रेशर, दोबारा शादी के ट्रैप में फंस के अपने पैरों में जंजीर नहीं डालनी है मुझे। किसका फोन है? कोई नहीं, नॉट इम्पोर्टेंट। अरे टेल मी ना, क्या हुआ? अरे वो मैं लॉज में अपना बैग भूल गई थी, तो मैंने एक लड़की को कहा था कि लेकर आए। या। बस उसी लड़की का फोन है। हाँ तो फोन तो उठाओ ना उसका, पता तो करो क्या कहना चाहती है। हाँ बोलो। हाँ प्रिशा, मुझे कुछ और पैसे चाहिए। और पैसे? हाँ 1 लाख, और अगर मुझे वो तुमसे नहीं मिले तो मैं सच्चाई सबको बता दूंगी। तुम्हें आइडिया भी है? पिछली बार भी मैंने जो तुम्हें पैसे दिए थे ना, अपनी ज्वेलरी बेच कर दिए थे। अब मैं क्या करूं, मेरी भी प्रॉब्लम्स हैं। फाइन, बट दिस इज द लास्ट टाइम। हाँ ठीक है चलेगा। क्या वो तुमने मुझे बताया नहीं, वो पैसे मांग रही? मैं ऐसे ही नहीं चाहती थी कि आप टेंशन ले। I'll manage, it's okay. कैसे? कितने पैसे मांग रही है? 2 लाख रुपए। ओके, मैं दे दूंगा तुम। And listen, अगली बार ये कॉल करेगी ना तो मुझे बताना। I very well know कि ऐसे लोगों को कैसे हैंडल किया जाता है। Bloody blackmailers. चलो मॉमजी के लिए 1 लाख एक्स्ट्रा मिल गए, कम से कम इससे तो मॉमजी विल बी हैप्पी।
आप आ गए, डिनर भी रेडी है, आप फ्रेश हो जाइए। मुझे भूख नहीं है। तो मेडिसिन तो ले लीजिए। अनिल, साहब की मेडिसिन लेकर आओ। स्टॉप दिस, आई केयर वाला ड्रामा सुषमा, ज्यादा प्रिटेंड करने की जरूरत नहीं है कि तुम्हें मेरी कोई फिक्र है। तुम्हें तो सिर्फ अपनी पन्नो क्रिएशंस की फिक्र है, बाकी सब यू डोंट केयर, राइट? सुषमा, आप मेडिसिन ले लीजिए प्लीज। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, या इसके लिए भी कोई मेडिसिन प्रिस्क्राइब कर दूं तुम्हारे लिए? यू नो राइट कि ये खाली पेट नहीं खा सकते। पर आप खाली पेट कहाँ हैं? हॉस्पिटल फोन किया था तो पता चला कि आपने अपनी फेवरेट बुरीतोज ऑर्डर करके ईट कर लिया। सुषमा केयर्स, आप ब्रेकफास्ट किए बिना चले गए थे ना, इसीलिए सुषमा ने आपकी असिस्टेंट को कॉल किया था ये जानने के लिए कि आपने कुछ खाया है कि नहीं। तो उससे पता चला कि आपने फूड ऑर्डर करके ईट कर लिया है। अब मेडिसिन ले लीजिए ना प्लीज। लीजिए मेडिसिन ले लीजिए। अब है ना सुषमा गुड वाइफ, जो सिर्फ आपका ध्यान ही नहीं रखती बल्कि आपके मिनट मिनट की खबर भी रखती है। मम्मी जी, मुझे आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी है अभी। सुषमा से? जी। ओके। क्या हुआ? अरे क्या बात है, बोलो क्या बात है? तबीयत ठीक है ना तुम्हारी? जी, वो क्या है ना मम्मी जी, मैं जो कहानी लिख रही हूँ शो में, तो वहां पे ना बस कंफ्यूजन है, समझ नहीं पा रही कि क्या लिखूं कैसे करूं, तो सोचा कि आपसे हेल्प ले लूं। सुषमा की हेल्प? क्या है सौम्या, पहले मुझे डिजाइनर बना दिया, अब राइटर बनाओगी? नहीं, फ्रेंड बना रही हूं। बोलो। वो कहानी में ना हीरोइन एक बहुत ही अजीब से मूड में आकर खड़ी हो गई है। उसके लाइफ में, उसके सामने दो ऑप्शंस है। तो ना हीरोइन को मम्मी जी समझ ही नहीं आ रहा एक्चुअली कि वो क्या करे, क्या चुने, क्या सही है क्या गलत है उसके लिए। उसे यू नो, तो पहला ऑप्शन है सच। अगर हीरोइन सच चुनती है तो अगर वो सही कदम उठाती है तो उससे उसकी जिंदगी, उसके रिश्ते, उसकी दुनिया सब कुछ बदल जाता है। और दूसरा ऑप्शन क्या है? दूसरा ऑप्शन है उसे सच को देख के भी अपनी आंखें बंद करनी होगी। गॉड, मतलब बेबी शाह के वीडियोस आपसे पहले सौम्या के पास कैसे पहुंच गए? अब तुम चिल करो ना, डोंट वरी अबाउट दिस, यू जस्ट हैव फन विद मी, बाकी सब हैंडल कर लूंगा ना मैं, मेरे पास हर चीज का सॉल्यूशन होता है, देखना। ए सिमी, यार टेल मी वन थिंग, इस बार का एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का अवार्ड कंपनी किसको दे रही है?
सर प्रोबेबली लिस्ट में सबसे ऊपर तो मिस्टर वर्मा आई मीन सौम्या मैडम के पापा का नाम है. वो रियली हार्ड वर्किंग है. एंड सेकंड नेम नो सिमी अवार्ड उसी को जाना चाहिए जो डिजर्विंग है. एंड आई थिंक मिस्टर वर्मा ही सबसे ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट है. एंड लिसन अवार्ड के साथ साथ उन्हें 25% का इंक्रीमेंट मेरी तरफ से दे देना. ऑलराइट ओके. यू नो व्हाट प्रशा, चाहे जो भी हो सौम्या अभी भी एक मिडिल क्लास लड़की है और इन मिडिल क्लास लोगों के लिए ये सब छोटी छोटी खुशियां ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. अब देखना अपने पापा की खुशी में अगर वो मुझसे थोड़ा नाराज भी होगी ना तो उसे भूल जाएगी. She'll forgive me, जैसे पहले किया था. तुम अपनी हीरोइन को कभी भी सच से मुंह मत मोड़ने देना. यही तो किया है सुषमा ने अपनी पूरी लाइफ में. अपनी हर इंसल्ट को बस मजाक समझ लिया और ऐसा करते करते अपना सम्मान, अपने औरत होने की, एक वाइफ होने की, एक मदर होने की हर पहचान को खो दिया सुषमा ने. तुमने सुषमा की पहचान को उसे वापस दिया है. थैंक यू. और इसी तरह तुम अपनी हीरोइन को ना उसके सम्मान के लिए फाइट करने दो. उसे सुषमा की तरह कमजोर मत बनाओ. कभी नहीं. उसे सबका सामना करने दो. सौम्या तभी तुम्हारी कहानी जो है ना उसकी असली जीत होगी. और तुम ना ऑलवेज ऑलवेज अपनी हीरोइन को अपनी तरह बनाना. हाँ मेरे सौम्या की तरह. सच्ची कह रही हूं हर घर में एक सौम्या होनी चाहिए जो औरत के लिए उसके सम्मान के लिए खड़ी होती हो. थैंक यू. मैं आती हूं. गिरीश वर्मा. धन्यवाद. अरे ये सब तो अरमान जी ने किया है. मैं तो यहाँ आने से भी मना कर रहा था पर शिल्पी बोली के दीदी को अपने हाथ से मुंह मीठा करवाना है. बिल्कुल सही कहा शिल्पी ने. लीजिए ना बहन जी. ये लुपटा. अरे पापा मॉम. हाय जीजू. हाय शिल्पी. आपसे ब्याह. मेरी इस जीत के लिए धन्यवाद बेटा. आज मुझे लग रहा है कि मैं सिर्फ एक हारा हुआ इंसान नहीं हूँ. कौन पापा कैसी बातें कर रहे हैं आप. ये अवार्ड ये जीत ये आपके हार्ड वर्क का नतीजा है. यू नो सौम्या जब से पापा ने हमें ज्वाइन किया है ना तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 25% तक कम हो गया है. इज सो हार्ड वर्किंग. रोज ऑफिस आते हैं कभी छुट्टी नहीं लेते हैं हमेशा टाइम पर. आपको देखकर ना मुझे भी ऐसा फील होता है कि मुझे भी और हार्ड वर्क करना चाहिए. यू आर सो इंस्पायरिंग. खुश रहो बेटा.
I'm so sorry, आप लोग यहाँ पर आए हैं लेकिन मुझे ना सौम्या को लेकर हॉस्पिटल जाना होगा. वो क्या है कि डिलीवरी के लिए स्वीट बुक करना है ना. सच में बहन जी, अरमान जी सौम्या का बहुत ध्यान रखते हैं. चले हाई कमांड, आपके अप्रूवल की बहुत ज्यादा जरूरत है. अरमान, इस सबकी क्या जरूरत थी. बच्चे पेरेंट्स के अच्छे संस्कार से अच्छे इंसान बनते हैं, ये हॉस्पिटल रूम से थोड़ी. देख रहे हैं पापा, ये सौम्या ना मुझे समझती ही नहीं. इसे पता ही नहीं चलता कि मेरे लिए ये और बेबीज कितने इम्पोर्टेंट हैं. अरे कभी कभी दूसरों की बात माननी चाहिए. हर वक्त अपनी फिलॉसफी झाड़ती रहती है. हाँ नहीं तो बोल रहे तो चली जा अस्पताल. कितना ख्याल रखते हैं तेरा, तुझे भी उनकी खुशी का ख्याल रखना चाहिए ना. For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.